इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है चार्जेस में, और चार्जेस लाइंग एट रेस्ट, स्टेशनरी चार्जेस में डील करती है। पूरे यूनिट के अंदर चार्ज मूव नहीं करेगा, फिक्स्ड रखेंगे। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो हीट में डील करती है, या फिर ऑप्टिक्स लाइट में डील करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज में डील करता है। चार्जेस के अंदर दो टाइप के चार्जेस हैं, और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। दो किस्म के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो स्टडी ऑफ चार्जेस आएंगे एट रेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्ज बॉडी पे तब आता है जब बॉडी में डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सिंपल। तो दो किस्म के चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओरिजिन ऑफ चार्ज मैंने बता दिया, नेगेटिव मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है मेथड फॉर चार्जिंग अ बॉडी। अब बॉडी पे चार्ज आया कैसे, इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले और कैसे भरे हमने, इसके लिए जो पहला मेथड है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अंदर क्या करते हैं कि आप दो बॉडीज ने, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, स्पेशल बॉडी है, जैसे सिल्क का कपड़ा चाहिए और ग्लास की रॉड चाहिए, इन्हें अगर आप रब करें तो आप इन्हें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड के निकल के सिल्क के अंदर चले जाते हैं, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर डेफिशिएंसी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप मटेरियल चेंज करें, जैसे कि आपने एक वूल लिया और एबोनाइट रॉड ली, कोई मटेरियल है, इन्हें रब किया, उल्टा हो गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया और पॉजिटिव यहाँ पर आ गया, यानी कि इस कपड़े के इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए। पर ऐसा करने के लिए हमें पहला पहला पॉइंट क्या है, हमें रब करना पड़ता है दो बॉडीज को, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं रब करने के लिए, और इसके अंदर दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में लाना पड़ता है, लाना पड़ता है, तभी ऐसा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तीसरा, क्या कोई भी बॉडी को रब करें तो चार्जेस आएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपना पेन लें और पेपर लें, आप रब करें, चार्ज हो जाएगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। खास किस्म के मटेरियल्स हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और बड़े आसानी से ट्रेवल कर जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी, उसके अंदर ऐसा हो जाता है, लेकिन सबके अंदर नहीं होता। तो ये हमने एग्जाम्पल लिए, याद ही करने, एग्जाम्पल ऐसा होता है। अब दूसरा जो मेथड है वो है मेथड ऑफ कंडक्शन। पहला मेथड क्या था, पहला मेथड था मेथड ऑफ फ्रिक्शन, रब करना, फ्रिक्शन। दूसरा मेथड बाय कंडक्शन। कंडक्शन में कुछ नहीं करना, दो बॉडीज को बस रख देना एक दूसरे के ऊपर। कैसे, सपोज ये एक न्यूट्रल बॉडी थी, एक मेटल का कंडक्टर है और न्यूट्रल है, और सपोज ये एक ग्लास की रॉड थी जिसके ऊपर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। अब मेटल कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और इस पॉजिटिव डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो डेफिशिएंसी पूरा करेंगे, ताकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, क्योंकि कॉन्टैक्ट में ले आए ना, तो ये पॉजिटिव की डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे, क्योंकि कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते ही है। अब ये कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ताकि इसका प्लस चार्ज थोड़ा कम हो जाए, लेकिन उस चक्कर में खुद डेफिशिएंट हो जाएगा। अब जो खुद डेफिशिएंट हो गया क्योंकि इसने कुछ इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर दिए जोड़ते ही, तो ऐसे केस में दोनों बॉडीज क्या हो गई, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। ठीक है यहाँ तक। तो ये न्यूट्रल थी, ये ग्लास रॉड थी, इसके पास डेफिशिएंसी थी, आपने दोनों को कांटेक्ट में लेके आए, इस कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस डेफिशिएंसी को पूरा कर देंगे। डेफिशिएंसी पूरा करने का मतलब पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा, तो देखो प्लस ज्यादा है, प्लस कम हो गया, पर चक्कर यह है कि अपने इलेक्ट्रॉन ये खो बैठा तो खुद डेफिशिएंट हो गया, तो खुद के ऊपर भी कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। डेफिशिएंसी है तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है यहां तक। तो ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड है इंडक्शन। उन दो मेथड में हम दो बॉडीज को कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं तो चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है, लेकिन इंडक्शन के अंदर ऐसा नहीं होता। इंडक्शन के अंदर हम बिना जोड़े दो बॉडीज को क्या करते हैं, बिना जोड़े चार्ज प्रोड्यूस कर देते हैं। जैसे सपोज आपके पास कोई भी एक मेटल का स्फेयर है,
सपोज ये एक मेटल का स्फेयर है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। आप कहीं से एक रॉड ले आए जो कि चार्ज रॉड है, ये लो ये चार्ज रॉड है, इसके सामने ले आए। अब मेटल के कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट की तरफ अट्रैक्ट हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए लेफ्ट की तरफ, और इस तरफ क्या प्रोड्यूस कर गए, डेफिशिएंसी। इधर के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट, रीअरेंजमेंट है, इधर के इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गए, तो क्या प्रोड्यूस हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज हो गया बिकॉज पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट कर लिया और इधर पॉजिटिव आ गया। ठीक, मैंने दोनों बॉडीज को टच नहीं किया, ऐसी पड़ी हुई है। तो दिस इज मेथड ऑफ इंडक्शन, इंड्यूस हो गया, पैदा हो गया, जनरेट हो गया। तो ये एक मेथड है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इस रॉड को यहां से भगा दूं, वापस ले जाऊं, तो उस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर देंगे, क्योंकि दे आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अ रॉड, तो वापस से डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे और वापस से जो चार्ज है वो ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा कुछ ऐसे, क्योंकि यहाँ का नेगेटिव अपने पॉजिटिव पे जाके बैठ गया, यहाँ पे पॉजिटिव था, डेफिशिएंसी कंप्लीट होगी और ये वापस से क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जब तक रॉड थी तब तक आधा चार्ज पॉजिटिव आधा नेगेटिव था, रॉड चली गई तो फिर ये भी न्यूट्रल हो गया। पर मैं ये चाहता हूँ इसके ऊपर परमानेंट चार्ज रहे, तो मैं इस रॉड को इसके पास लेके आता हूं, यहां पर नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, ये चार्जेस प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, अर्थिंग। अर्थिंग या ग्राउंड एक ही बात, अर्थिंग या ग्राउंड एक ही बात। हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं घरों के अंदर, भी आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, वो अर्थड होते हैं। घर में भी हम पूरे घर की अर्थिंग करवा के रखते हैं, हरे रंग की तार होती है, ग्रीन कलर की तार होती है जो अर्थिंग की वायर है। कभी कभी क्या होता है, मेटल के जो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, वो जैसे कूलर या फ्रिज, वो करंट मारता है, उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। अगर अर्थिंग प्रॉपर नहीं है तो मेटल के जितने ऑब्जेक्ट हैं उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। तो हम इनको अगर अर्थ कर देंगे तो चार्ज चला जाएगा। अब कैसे किया, जो अर्थ है उसके अंदर इनफाइनाइट पॉजिटिव इनफाइनाइट नेगेटिव चार्जेस हैं, निल नहीं है, जीरो नहीं है, इनफाइनाइट पॉजिटिव इनफाइनाइट नेगेटिव। आप अर्थ के जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन अर्थ को दे दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहती है। जो अर्थ है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब ना पॉजिटिव इफेक्ट है ना नेगेटिव है, क्योंकि जितने पॉजिटिव इनफाइनाइट है उतने नेगेटिव है। ठीक हो गया। तो अब मैंने क्या किया, इस पोर्शन को यहां से अर्थ कर दिया। अर्थ या ग्राउंड एक ही बात है, सिंबल है अर्थ का, अर्थिंग का ही सिंबल होता है। अब अर्थ के पास तो दुनिया भर का इलेक्ट्रॉन है, अर्थ अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहां भेजेगी और क्या करेगी, इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करवा देगी, इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करवा देगी। आप कहेंगे फिर इसको भी तो खींच सकती है नीचे, भाई अर्थ है तो ये भी तो हो सकता है, पर ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से इसलिए हिलेंगे नहीं क्योंकि दे आर अट्रैक्टेड बाय अ पॉजिटिव रॉड, तो नहीं हिल पाए। पॉजिटिव चार्ज चला गया क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो गए अर्थ से और पॉजिटिव को खत्म कर गए। अब क्या हुआ, अब आप एक काम करो, अर्थ को हटा दो, काम हो गया आपका, आप अर्थ को हटा दो, अब आप रॉड को भी हटा दो, ले जाओ। अब इस पोर्शन में कोई डेफिशिएंसी तो है नहीं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड मूवेबल हैं, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर मूवेबल है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करके ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पूरे स्फेयर के ऊपर, बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और ये स्फेयर परमानेंटली क्या हो गया, चार्ज हो गया, हमेशा के लिए चार्ज हो गया। तो मैंने टच नहीं किया रॉड को इसके साथ, फिर भी मैंने क्या किया, इसके ऊपर परमानेंट चार्ज प्रोड्यूस कर दिया। दिस इज मेथड ऑफ इंडक्शन। जैसे आपकी असाइनमेंट के अंदर देखो, ये नेगेटिव रॉड है, नेगेटिव ने इस पोर्शन के न्यूट्रल बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर दिया, राइट पे चले गए इलेक्ट्रॉन्स, डेफिशिएंसी हो गई, अर्थ कर दिया, अर्थ करने से इलेक्ट्रॉन चले गए अर्थ में, ग्राउंड में, ये नहीं हिल पाए क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट
सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वैसे भी डेफिशिएंसी है, अर्थ हटा दिया, रॉड को भगा दिया, तो ई कौन सा चार्ज आ गया इसके ऊपर? पॉजिटिव। तो अगर आप रॉड को नेगेटिव लेके आते हो तो फाइनल चार्ज स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव, कंडक्टर स्फीयर है, प्लीज कंडक्टर है, लोहे का बना हुआ है, लकड़ का नहीं बना हुआ, लकड़ में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते फ्री। और अगर आप पॉजिटिव रॉड लेके आ रहे हो तो यहां पर फाइनल चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। क्लियर है यहां तक? तो ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? तो कुछ ये तो सबको पता ही है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो इसी का प्रिंसिपल यूज किया कि जब नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आए तो इसने यहां के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दिया, भगा दिया, तो यहां डेफिशिएंसी हो गई, इधर के इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चले गए तो डेफिशिएंसी हो गई, और ये मैंने अर्थ से खत्म कर दिया, तो फिर फाइनल चार्ज क्या बच गया? सिर्फ पॉजिटिव। ये रूल है, क्योंकि अगर मैं इसको हटा दूंगा अर्थ से हटा दूंगा तो नेगेटिव चार्ज तो रहेगा स्फीयर पे, तो स्फीयर फाइनली कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज तो रहेगा सॉरी, तो स्फीयर फाइनली कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ठीक, ये करने की जरूरत नहीं है, ये एक ही बात है, अलग अलग एग्जांपल्स हैं।